मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा को लेकर राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ग्राम ढूढेर टीला नादनखेड़ी पहुंचे। जब विकास यात्रा ग्राम पंचायत नादनखेड़ी पहुंची तो गुना सांसद कृष्णपाल सिंह यादव भी विकास यात्रा में शामिल होने पहुंचे। ग्रामीणों ने माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। छोटी छोटी कन्याओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का गरीब परिवार को फायदा मिल रहा है। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल उसका निराकरण करने का निर्देश दिया। इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अगर अंत्योदय की भावना को लेकर चलती है, अगर हम कहते हैं कि हम अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएंगे, हमें उस गरीब मजदूर किसान की चिंता है, तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि अनेकों अनेक योजनाओं से, चाहे केंद्र की योजनाएं हो और चाहे प्रदेश की योजनाएं हो, अनेकों अनेक प्रदेश की योजनाएं हैं, अनेकों अनेक केंद्र की योजनाएं हैं। तो जैसा अभी राजेश भाई ने बताया और माननीय पालीवाल जी बता रहे थे कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसे किसी ना किसी योजना का लाभ ना मिल रहा। देश को आजाद हुए भाइयों 75 वर्ष हो गए, इन 75 वर्ष में से 60 वर्षों तक तो केंद्र में अन्य सरकारें रही। हाँ, बीच में एक बार हम जरूर आए थे माननीय अटल जी के समय, लेकिन अटल जी के समय भी कुछ ऐसे निर्णय लिए गए कि आज वो हमारे सामने दिख भी रहा है। कोई और गांव है, क्योंकि हम लोग पड़ोसी हैं और ये मेरा स्वयं का अपना ही गांव है, क्योंकि बचपन से ही हमेशा क्षेत्र में आने जाने का सौभाग्य मिला और आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे परिवार को हमेशा मिलता रहा। चाहे जनपद के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के हो, चाहे विधानसभा हो, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज अगर मैं आज सांसद के रूप में आप सबके बीच में आया हूं, जो कि आपका क्षेत्र का हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, तो वो भी आप सबका ही आशीर्वाद है कि इस क्षेत्र का बेटा एक सांसद के रूप में अपने घर में अपनों के बीच में खड़ा है। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और भाइयों, ये भी हमारा सौभाग्य है, मैं तो ये मानता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये संभव हुआ है कि इस क्षेत्र का बेटा सांसद के रूप में आप सबके बीच में खड़ा है, आपके ही क्षेत्र का बेटा एक मंत्री के रूप में आपके बीच में बैठा है। यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, जब से देश आजाद हुआ है, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके क्षेत्र के आपके गांव का ही बेटा आपका सांसद है और आपके क्षेत्र का बेटा ही आपका मंत्री है। ये बहुत बड़ी बात है भाइयों। आप सबके आशीर्वाद से आज प्रदेश में भी हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ग्रामीण भारत टीवी के लिए मुंगावली से मनीष सोनी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।